डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। ये ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज़ की फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लाइंस एंड एंगल्स और इनके कंसेप्ट्स। सो ब्रिंग योर नोटबुक एंड पेन सो दैट यू कैन मेक नोट्स। मेरी हर एक वीडियो में आप नोट्स बना सकते हो और इससे बाहर एसएससी के अंदर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। सो ब्रिंग योर पेन एंड नोटबुक। तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मेरे से सुनने से पहले एक बार खुद ट्राई करना उसको सॉल्व करने का, इसी तरह से आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ एंगल्स कि अलग अलग किस किस तरह के एंगल्स हैं। तो ये मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं, ये रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री। और अगर एंगल इतना बड़ा हुआ, इतना बड़े का क्या मतलब है कि अगर ऐसा एंगल हुआ तो ये क्या होता है, आपको पता होगा 90 डिग्री। अगर ऐसे स्ट्रेट एंगल हुआ तो वो कितने डिग्री का होता है, दैट इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री। अगर पूरा घूम के आ गए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से हैं। अगर एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में है, 90 के इक्वल नहीं, 0 से लेकर 90 से छोटा, तो 0 और 90 के बीच में है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो सिंपली आपको क्या है कि इन टर्म्स का पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल है क्या। मुझे ये सिंपल लॉजिक है, अगर एग्जामिनर बोले एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल तो आपको एक्यूट का मतलब पता होना चाहिए। देन जो एंगल 90 डिग्री का है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। जो एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा, मतलब 90 और 180 के बीच में, उस एंगल को बोलते हैं ओब्ट्यूस एंगल। और 180 से बड़ा और 360 तक के एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल का यूज कैसे करोगे, वैसे ये यूज होता ही नहीं है एसएससी के अंदर, एसएससी बैंक पे किसी भी एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके सामने ये एंगल है एबीसी, अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि मेजर ऑफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसका क्या मतलब है कि एबीसी ये जो आर्क है इसका मेजरमेंट है 60 डिग्री। लेकिन अगर एंगल, अगर एग्जामिनर आपको बोलता है रिफ्लेक्स एंगल एबीसी इज इक्वल टू सपोज 240 डिग्री, अगर ऐसे करके बोलता है, तो एग्जामिनर का मतलब है कि वो आपको क्या बता रहा है कि एंगल एबीसी जो भी है उसका 180 से बड़े वाला पोर्शन। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि एंगल दो तरह के होंगे, एक तो 180 से छोटा होगा और एक 180 से बड़ा होगा, तो 180 से बड़े वाले पोर्शन को जब वो मेजर करवाएगा तो वो रिफ्लेक्स वर्ड यूज करेगा। ये सिंपल कंसेप्ट है। सो टाइप्स ऑफ एंगल्स ये आपको पता होना चाहिए, इनको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस। तो ये दो लाइन है, एक लाइन है लाइन एल, एक लाइन है लाइन एम। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। लाइन सिर्फ दो तरह की हो सकती हैं, एक तो जैसे ये लाइन है पैरेलल है, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या फिर कैसी लाइन हो सकती है, या फिर लाइन हो सकती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, मतलब कट करेंगी। तो दो तरह की लाइन है। तो ये लाइंस जनरली आप देखोगे डायग्राम्स में, और जब भी पैरेलल लाइंस हो इनके ऊपर बेस्ड कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। जब भी पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे एक लाइन इंटरसेक्ट करे, जैसे कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे, जैसे इस लाइन को यहां पर, इस लाइन को यहां पर, तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इस लाइन को बोलते हैं। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करेगी तो कई एंगल्स डेवलप होंगे, उनके मैं नाम रख देता हूं एक बार, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, देन वी हैव 5, 6, 7 एंड 8। तो इन एंगल्स के बीच में अलग अलग रिलेशंस होंगे, वो आपको पता होने चाहिए क्या क्या है। तो ध्यान से सुनते रहिए, एक बार सारा सुनने के बाद नोट्स बनाइएगा, साथ साथ में नोट मत बनाना यार, बिकॉज आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप साथ साथ में नोटबुक में उतार रहे हो। एक बार आप क्या करोगे, वीडियो को अच्छे से देखोगे फिर बाद में नोट्स बनाओगे। तो
तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब कोरस्पोंडिंग एंगल्स का क्या मतलब है? ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे जैसी सिचुएशन में हो, एक दूसरे से कोरस्पोंड करते हों, कोरस्पोंडिंग एंगल्स उनको बोलते हैं। तो कैसे एंगल्स? जैसे यहां पर ध्यान से देखना, एंगल टू एंड एंगल सिक्स। एंगल टू लाइन एल के ऊपर है ना? हाँ ऊपर है। एंगल सिक्स लाइन एम के ऊपर है, तो दोनों एंगल्स ऊपर हैं। और एंगल टू ब्लैक लाइन के राइट साइड पे है, एंगल सिक्स भी ब्लैक लाइन के राइट साइड पे है। तो एंगल टू और एंगल सिक्स सेम पोजिशन में है, एक दूसरे से कोरस्पोंड करते हैं, कोरस्पोंडिंग सिचुएशंस में है। तो जो सेम पोजिशन में हो, आपको देख के भी फील हो रहा होगा एंगल टू और एंगल सिक्स बराबर लग रहे होंगे, तो ये एंगल्स क्या हैं? ये हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ऐसे ऐसे कई पेयर होंगे, एक तो एंगल टू एंड एंगल सिक्स का हो गया, नेक्स्ट पेयर है एंगल वन एंड एंगल फाइव, नेक्स्ट पेयर क्या है एंगल थ्री एंड एंगल एट, नेक्स्ट पेयर इज एंगल फोर एंड एंगल सेवन। सो दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। और कोरस्पोंडिंग एंगल्स ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, मींस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ये बार बार यूज होती है ट्रायंगल्स के अंदर या बाकी ज्योमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर। नेक्स्ट वी हैव ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट एंगल से यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं एंगल्स ऑन द ऑल्टरनेट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट मतलब एक दूसरी साइड पे, अलग अलग साइड पे। ये जो ट्रांसवर्सल है, ये ब्लैक लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड पे जो एंगल्स हों उनको ऑल्टरनेट बोलते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंटीरियर एंगल और एक होते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एग्जैक्टली आप कैसे यूज करते हो? आप यूज करते हो, अब दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, बिकॉज ये सारी बातें बचपन में हमने की तो हुई है, टेंथ तक का मैथ्स है, तो अब ये याद आएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बार बार यूज होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स काफी कम यूज होता है। तो ऑल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं, इंटीरियर भी हो सकते हैं एक्सटीरियर भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। इंटीरियर का मतलब है अंदर वाले, तो अंदर वाले एंगल्स कौन से? जो इन पैरेलल लाइंस के अंदर अंदर जो एंगल है ना, उनको बोलते हैं इंटीरियर। कौन कौन से? तीन चार पांच छह। तो तीन चार पांच छह हैं इंटीरियर एंगल, एक दो सात आठ हैं एक्सटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे? देखो पहले तो सारे इंटीरियर देख लेते हैं, तीन चार पांच छह। तो ऑल्टरनेट कौन से होंगे? तीन और छह, बिकॉज तीन इस लाइन के इस साइड है, छह इस लाइन के उस साइड है। वैसे तो तीन और चार भी हैं, लेकिन ये रिलेशन तीन और छह के बीच में है। तो इंटीरियर एंगल का जो पेयर है, इंटीरियर ऑल्टरनेट का बोल रहा हूं मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स, और नेक्स्ट पेयर क्या है एंगल फोर एंड एंगल फाइव। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी ऑल्टरनेट होंगे लेकिन एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर कौन कौन से हैं? एक दो सात आठ, एंगल वन एंड एंगल सेवन, एंगल टू एंड एंगल एट। ये एंगल्स कौन से हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, दोनों वर्ड बोलने हैं, ऑल्टरनेट भी हैं एक्सटीरियर भी हैं। तो एंगल जब ऑल्टरनेट हों, तो चाहे वो इंटीरियर हों चाहे वो एक्सटीरियर हों, वो हमेशा इक्वल ही होंगे। मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक टाइप तो हमने कर लिया ऑल्टरनेट एंगल्स, जब एंगल्स ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड्स पे हों। अगर अलग अलग साइड पे हो सकते हैं तो सेम साइड पे भी तो हो सकते हैं ना। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अब देखते हैं सेम साइड पे कौन कौन से हैं। इसमें भी दो टाइप हैं, इंटीरियर भी हो सकते हैं और एक्सटीरियर भी हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले इंटीरियर में आते हैं। इंटीरियर में जो ब्लैक लाइन के सेम साइड पे हों, एंगल थ्री कहाँ पे है? ब्लैक लाइन के लेफ्ट। एंगल फाइव कहाँ पे है? ब्लैक लाइन के लेफ्ट। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड बोथ आर इंटीरियर, एंगल थ्री एंड एंगल फाइव। एक और पेयर है एंगल फोर राइट साइड पे है एंड एंगल सिक्स भी राइट साइड पे है। एक्सटीरियर एंगल, अब एक्सटीरियर कौन कौन से हैं? एक दो सात आठ। तो एंगल वन एंड एंगल एट लेफ्ट साइड पे हैं,
एंड एंगल टू एंड एंगल सेवन राइट साइड पे हैं, तो ये क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये क्या होते हैं, ये एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, इन एंगल्स का सम होता है 180। मतलब एंगल तीन और एंगल पांच का सम क्या है, इन दोनों का 180। एंगल फोर एंड एंगल सिक्स का सम क्या है, 180। एंगल वन एंड एंगल एट का सम क्या है, 180। तो सप्लीमेंट्री मीन्स 180। एक और वर्ड होता है, एक और वर्ड क्या होता है इसी से रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री। अब जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना, तो इसका मतलब उन एंगल्स का सम है 90 डिग्री। जब दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो उनका सम होगा 180 डिग्री। और आप इसको याद कैसे रखोगे, देखो अल्फाबेट्स के अंदर सी पहले आता है या एस, अल्फाबेट्स के अंदर सी पहले आएगा। जब आप ए बी सी डी को अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे सी और एस को, तो सी ए बी सी डी में पहले आता है ना, तो 90 पहले आता है, 180 बाद में। ऐसे आप याद रख सकते हो बस, कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम 90, सप्लीमेंट्री मीन्स सम 180। नेक्स्ट वी हैव एंगल्स ऑन ए लाइन। एंगल्स ऑन ए लाइन का क्या मतलब है, कि जैसे लाइन है, लाइन एम, ऐसे ही मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसके ऊपर ये एंगल्स हैं, ये तो दो एंगल होने जरूरी नहीं है। सपोज हमारे पास एक लाइन है, इसके ऊपर तीन एंगल हैं, ये वाला और ये वाला। सपोज एक लाइन है, इसके ऊपर चार एंगल्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो एंगल्स ऑन ए लाइन आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, सम 180। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स हैं ना, चाहे वो कितने भी हों, बिकॉज यार देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल है वो कितना होता है, 180 डिग्री का। अब उसको चाहे दो हिस्सों में बांट लो तो भी दोनों का सम 180, तीन हिस्सों में बांट लो या चार हिस्सों में बांट लो, सम तो 180 रहेगा ना, बिकॉज पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो एक ये कंसेप्ट है जो यूज होता है। मतलब एंगल 5 एंड एंगल 6 का सम कितना है, 180। एंगल 1 एंड 3 का सम कितना है, 180। 1 एंड 3 का 180 क्यों है, बिकॉज ये ब्लैक लाइन के ऊपर है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। 2 एंड 4 का सम कितना है, 180। एंगल 3 एंड 4 क्या है, सप्लीमेंट्री। देन नेक्स्ट वी हैव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का क्या मतलब है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए हमें इस सेटअप की जरूरत नहीं है कि दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए जस्ट कोई भी दो लाइन हो, वो इंटरसेक्टिंग हो, जैसे ये हैं, तो उसमें ये आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। मतलब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंड एंगल वन एंड एंगल टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मीन्स एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, एंड एंगल थ्री एंड एंगल फोर आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बस आपको ये सारे एंगल्स पता होने चाहिए, और अब आप अपनी नोटबुक पे ये लिख सकते हो अपने वर्ड्स में अच्छे से। हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड एक्स। तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180 डिग्री। और ये दो एंगल हैं, तो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 9x, 5x प्लस 4x इज 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 20 डिग्री, और हमने बताना क्या था x, तो वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री। सो सिंपल। मतलब अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जैसे यहाँ पर है, लेकिन इस चीज़ को यूज करेगा वो। आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इसका यूसेज इतना ही सिंपल होगा एग्जैक्टली किसी भी क्वेश्चन में। देन वी हैव टू फाइंड एंगल सी ओ डी। तो सी ओ डी एंगल कौन सा है, वी हैव सी ओ एंड डी, तो ये वाला एंगल बताना है, ये वाला। तो एंगल, अब स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल है, ये पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को कितने हिस्सों में बांट दिया, 1, 2, 3, 4, तो कितने भी हिस्सों में बांट लो, सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो इन सबको मैं जोड़ रहा हूँ, वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। कितने वाई आए, 2y, कितने एक्स आए, 2x, तो सम क्या होगा, 180।
तो 2y प्लस 2x इज 180, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस y इज 180, तो इससे क्या मिल गया हमें, x प्लस y इज इक्वल टू 90। और हमसे एंगल कौन सा पूछा है, एंगल पूछा है COD, तो COD, COD में है क्या x और y, और x और y का सम कितना है 90, तो आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इस सिचुएशन को कई बार यूज करता है एग्जामिनर क्वेश्चंस के अंदर। फाइंड x, y एंड z, तो वही सारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, मान लीजिए ये गिवन है, देखो क्वेश्चन में ये मैंने आपको पहले बताया नहीं, लेकिन ये गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, ठीक है। तो पी क्यू और बी सी पैरेलल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा होगा, थोड़ी देर पहले ही किया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब दोनों एंगल इंटीरियर है, लाइन के अंदर है और ऑल्टरनेट साइड पे है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल, तो दिस इज 60, दिस इज 60, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 60। देन और आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल हैं और इनके बीच से स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो 110 और z इनमें क्या रिलेशन है, दीज आर एंगल्स ऑन दी सेम साइड, सेम साइड पे है ना, और दोनों इंटीरियर हैं, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होती हैं, सिंपल है। तो z की वैल्यू कितनी हो गई 70, दोनों का सम 180 तभी होगा, तो z की वैल्यू भी हमें मिल गई। देन नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, चलो z की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ये 60 है, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना है, इन तीनों एंगल्स का सम है, वी हैव 180, तो जिसमें से 70 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, 70 और 60 130, लेकिन होना कितना चाहिए तीनों का 180, तो बाकी बचा 50, तो y की वैल्यू क्या है 50। और आप इसको आप कई वेज से कर सकते हो, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लग सकती हैं, तो ये हो गई एक्स वाई जेड की वैल्यूज। इसके अंदर ये चीज गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, आप ट्राई कर सकते हो अगर ये नहीं पता था। और हमें निकालना क्या है, एंगल एक्स। तो यहां पर आपको छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो पॉइंट सी से पास होगी और ए बी और डी ई के पैरेलल होगी, ये वाली लाइन। तो ये लाइन क्या करेगी, इनके पैरेलल होगी और एंगल एक्स को दो हिस्सों में बांट देगी, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो अब देखिए, सिर्फ इस चीज पे कंसंट्रेट कर रही है कि सपोज ये लाइन है पी क्यू, तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये तो अंडरस्टूड है, ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल थी, इन दोनों के पैरेलल मैंने ड्रॉ की है। तो ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन एक ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। देखिए फिर से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये इक्वल क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा 67 डिग्री। सिमिलरली ये वाली लाइन डी ई और पी क्यू पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, वही केस है, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे। सिमिलरली ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये कितना हो गया 23, और हमें बताना क्या था, इस पूरे एंगल का मेजरमेंट बताना था x का, तो 67 प्लस 23 वी हैव 90, तो यहां पर आंसर क्या होगा 90। फाइंड x, यहां पर क्या गिवन है, यहां पर गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं और आपने एक्स की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को हम कई वे से कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं, उनमें से एक वे मैं आपको बता देता हूँ, तीन चार कंस्ट्रक्शन इसके अंदर हो सकते हैं। देखो तो कोई भी एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, या तो आप ये करो, इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ये 100 है, इफ दिस इज 100 देन ये क्या होगा, ये वाला एंगल भी होगा 100। इस सिचुएशन को मैं क्रिएट करता हूं, देखो
इफ दिस इज 100 देन दिस इज ऑल्सो 100, तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा और ये कितना है 25, तो ये वाला एंगल आप निकाल लोगे इजीली, बिकॉज ये वाला एंगल कितना है 100, ये वाला एंगल कितना है 25, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ये आपको पहले ही पता होगा। तो 180 में से 125 तो कवर हो गया, तो बाकी बचा कितना 55, तो ये वाला एंगल कितना होगा 55, फिर ये वाला एंगल कितना होगा, देखो इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, इन दोनों एंगल्स का सम है 180, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 55 दैट इज अगेन 125, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 125। और भी कई कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, यहां पर पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, कई काम आप कर सकते हो। फाइंड एक्स, तो यहां पर क्या चीज गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये चीज गिवन है और आपने एक्स की वैल्यू बतानी है, फिर से ट्राई कर सकते हो। तो इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल हैं, ये दोनों एंगल हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 70 डिग्री, तो अगर ये एंगल 70 डिग्री हो गया तो फिर ये एंगल कितना होगा, देखिए अगर ये 70 है तो ये हो गया 110 डिग्री, तो तीनों एंगल्स का सम कितना है, तीनों एंगल का सम है 180, 180 में से 110 और 20, 130 तो यहाँ पर कवर हो गया, बाकी का बचा कितना 50, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। दैट्स ऑल, जो लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चन है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड आते हैं या यही प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। बाकी फर्दर गाइडेंस के लिए आप ईवन कोचिंग सेंटर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और वहाँ से आप मेरे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो, कौन कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए ये पढ़ सकते हो, या और कई तरह की गाइडेंस वहाँ पर आपको मिलेगी। और आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, जैसे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, दैट्स ऑल। और आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़रूर लाइक किया कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।